देखो वहां पर लिखा है श्री राजीव लोचन मंदिर, आगे से 1 किलोमीटर है, कर रहे अभी मंदिर, ये मेन वाला जो कि आरती हो रहा है। तो देखना है, देखिए बाबा जी आ गए और हम यहाँ से पास से, बस इतने पास से आरती लेंगे और आप भी आरती इधर से ले लीजिए। मेन मंदिर के मेन रखवाले हम लोग जो है ना सही टाइम पे आए क्योंकि मंदिर अभी पूरा बंद हो गया। तो यार गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, और वीडियो को मैं 20 से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आज जो है हम जा रहे हैं जतमई घटारानी और राजीव की तरफ, तो आपको दिखाएंगे राजीव तक का आप लोगों ने पूरा देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी खल्लारी वाला व्लॉग देख लो, फिर चंपारण वाला व्लॉग देख लो, दोनों में पूरा आपको दिखाया ही है और वही वही रोड है सेम टू सेम और कुछ भी बदलाव नहीं है। अभी जो है वीडियो चालू कर रहा हूँ मैं चरोदा से, तो यहाँ से फटाफट निकलेंगे उसकी ओर और बढ़ेंगे आगे की तरफ, जो कि मज़ा ज़रूर आएगा आज की इस वीडियो में आप लोगों को, तो एंड तक ज़रूर देखना। और अभी लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप भी मारने वाले हैं, तो चलो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत रेस्टोरेंट यार, हम तो रायपुर पहुंच ही गए, अब जो है हम लोग का वही वाला पुराना रोड अंदर अंदर से नीचे से ब्रिज के नीचे से जाना पड़ेगा, और अभी तक जो है आप देख सकते हो ब्रिज नहीं बना, लेकिन पीछे वाला जो ब्रिज है जहां हम लोग उधर गए थे, क्या नाम है उसका, अभी नंदनवन वाला जो ब्रिज आपने देखा होगा वो तो बन चुका है। उस वीडियो को देखो, क्या मज़े आए थे, नंदनवन ब्रिज के ऊपर चढ़ा दिया था नया नया वाला, और देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं और साइड करवा रहे हैं गाड़ी पर, हम जो है आराम से निकल जाएंगे। तो यार रायपुर में ना आपको सब कुछ मिल जाएगा यार, सब कुछ, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, बहुत बड़े। किसी दिन आऊँगा फुर्सत से, पूरा व्लॉग बनाते हुए जाऊँगा, लेकिन मेरे को रायपुर तरफ आने का बस एक इच्छा नहीं करता, वो रोडों के कारण, एकदम से कचड़े रोड है, वहाँ पर गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा। और लेकिन ये वाला जो रोड है यहाँ पर जो बहुत अच्छा है, जगह सही है, रोड आराम से जा सकते हो आप, और सामने देखो लिखा होगा पटेवा वगैरह वगैरह, तो अपन एक ब्रिज छोड़ के दूसरे ब्रिज से भी शायद तक उसके नीचे से कटना पड़ेगा हम लोगों को चंपारण और राजीव लोचन के लिए। तो राजीव लोचन तक का मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, आगे तक का भी दिखाऊंगा। देखो कार की एक्सीडेंट हो गई थी यार, क्या खतरनाक, अभी थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ रोडों का ताकि आपको पूरा पता चले। तो यहाँ तरफ महादेव घाट है, महादेव घाट का व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से जल्दी जाकर देखो यार, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट व्लॉग था वो भी एक थोक पर, उसको ज़्यादा व्यूज नहीं आए हैं तो जरूर से देख लेना उसको भी। तो अभी आगे बढ़ेंगे और देखते हो ये क्या आ गया, ये है रायपुरा है, ये रायपुर के अंदर एक रायपुरा। तो अभी आगे बढ़ते हैं और तो यार ये देखो हम फिर नीचे आ गए हैं, यहाँ से अभी अंदर की तरफ कटेंगे, शायद यही वाला है उतना अच्छे से। अरे फिर गाड़ी क्यों बंद हो जा रहा है यार, बार बार दिखाना पड़ेगा इसको अब फिर से। तो देखो ब्रिज साइड में जा रहा है मस्त से, यही वाला ब्रिज मैं बोल रहा था कि हमारे घर तरफ भी बन जाएगा मस्त, ऊपर नीचे से जाएंगे, ऊपर से ब्रिज अपना बाईपास देता होगा। तो देखो अंदर से इस तरफ की ओर कटना है, तो इधर से कटेंगे अभी नीचे से, देखो कितना बड़ा है यार, काफ़ी ज़्यादा विशाल है देखो। चलो अभी अंदर से हमको कटना पड़ेगा राइट की ओर, भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार आज, पिछले बार पुलिस यहीं पर धोरोपुंछी कर रहा था थोड़ा सा आगे में, तो भाई पकड़ाते पकड़ाते बचे थे, पिछले बार कुछ भी नहीं लेके गया था मैं। यार सामने से अभी कटना पड़ेगा राइट की ओर, गाड़ी बंद हो जा रही, नहीं पता क्या हो गया गाड़ी को, गाड़ी को दिखाना पड़ेगा अच्छे से। ओ भाई साहब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है रायपुर में इस जगह पे, तो यहीं पर बहुत दिक्कत होता है यार, बाकी तो जाते टाइम कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ऐसे फट से निकल जाएंगे सीधा सीधा। तो अभी जो है, अब जो है गाड़ी नहीं रोकूंगा, निकालता हूँ फटाफट यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, चेकिंग भी चल रहा होगा मास्क वगैरह का, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। तो यार सब कुछ स्किप करता हूँ और आगे मिलता हूँ आपको, ये सब तो आप लोगों ने देखा ही होगा यार पूरा। रुक जाओ आगे बढ़ते हैं अभी फटाफट यहाँ से, फिर अभी खाली रोड में व्लॉग स्टार्ट करेंगे। ये जो है हम अच्छा सा रोड अभी पहुँच गया है, मस्त दिख रहा है अभी, देखो कोई भी नहीं, वाला रोड देखा ही होगा आप लोगों ने, वाला व्लॉग मुक्तांगन वाला व्लॉग देखा भी होगा तो भी यही वाले रोड से कहते, इधर तरफ राइट तरफ अपना मुक्तांगन पड़ जाएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट राइट कन्फ्यूजन फिर से। और अतल नगर नया रायपुर में आपका स्वागत है, नवा रायपुर का ये हाईवे जो कि बेहतरीन है, यहाँ पर गाड़ी है जो रेस करने में जो मजा है ना वो कहीं नहीं है, भगा दो जितना भी रफ्तार है आपकी गाड़ियों में और आपके अंदर कुछ भी हो, लेकिन सीधा सीधा अभी जाएंगे। और फैसला ये किया है कि पहले जाएंगे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, सिरपुर बोल रहा भाई, आप सिरपुर का ब्लॉग देख लीजिए, पहले जाएंगे राजीव लोचन का, आपको पूरा दर्शन कराएंगे। तो ये वीडियो होगा राजीव लोचन का, टाइटल उटल में राजीव लोचन डाल दूंगा ये हो, और फिर जाएंगे हम लोग जतमई या फिर घटारानी, जो पास है पहले वो, फिर जाएंगे घटारानी, दोनों का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि ज़्यादा कंटेंट मिले यार। तो यार आप चलते हैं जल्दी से और आपको उधर पर मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, महासमुंद्र से पहले में। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी,
राजीव लोचन हम पहुंच गए। तो यार राजीव लोचन का जो है अब पासी ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर और होगा। तो देखो वहां पर लिखा है श्री राजीव लोचन मंदिर, आगे से 1 किलोमीटर है, करेक्ट पे। तो अभी अपना ये आ गया है महासमुंद्र, तो इसको अभी आपको दिखाता हूँ। ये महासमुंद्र जाता है हमारे, क्या बोलते हैं उसको, समुद्र में, इसलिए तो इसका नाम महासमुद्र है। क्या राइमिंग बोल गया मैं अभी। तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी। अभी जो है राजीव लोचन का टेंपल का आपको व्लॉग दिखेगा सबसे पहले, तो सबसे पहला वाला व्लॉग होगा जो हमारा ये आज का है, तो वो होगा राजीव लोचन का। तो देखो बेस्ट है, सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा, सब धुंधला धुंधला, पानी तो है अभी जबरदस्त टाइप का। और इस साइड देखो वाला ब्रिज है, क्या दिखता है, यहीं से एक और ब्रिज है वो जो रायपुर ऊपर से जाता है पटेवा वटेवा होके, वो अलग रास्ता है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। बहुत दूर है अभी तो यहाँ से दिखनी, लेकिन बहुत लंबा है यार रास्ता, कितना लंबा होगा, कितने मीटर का होगा कमेंट में बता रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है यहाँ पर आके। तो राजीव लोचन का ये मतलब पहली बार होगा कि हम व्लॉग बना रहे हैं, देखते हैं कि अंदर का व्लॉग बनेगा कि नहीं, तो बाहर से भी आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं और घटारानी 45 और 26, यार काफ़ी दूर है, चलो कोई नहीं, लेकिन जाएंगे अभी राजीव लोचन के मंदिर चलते हैं और आपको मंदिर का दिखाएंगे कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ से जो है अब जाना है इस तरफ में हम लोग को मंदिर की तरफ, और देखो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, देखो क्या लग रहा है यार, ये है महासमुंद। नीचे भी जाएंगे पूरा आपको दिखाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मस्त है ना। राजीव लोचन के लिए पार्किंग इस तरफ है, आगे नहीं जा सकता क्या यहाँ, तो इस तरफ में, तो यहीं पर पार्किंग लगा देते हैं और अभी आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो कुछ ऐसा दिख रहा हूँ, मास्क जरूरी पहन लेता हूँ। तो अभी मंदिर के अंदर आ गए हैं और वो देख सकते हो सफेद वाला जो है वो है मंदिर वहां पे। तो अभी जाएंगे और आपको पूरा दिखाएंगे मंदिर में कि मंदिर कैसा है, बहुत ज्यादा मस्त है, देखते हैं कि वीडियो अलाउड है कि नहीं। जो तो आपको सामने दिखाता हूं पहले मंदिर में। तो यार ये श्री जगन्नाथ मंदिर के हम लोग एंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो है जूता वगैरह उतारना पड़ेगा और कुछ इस तरीके का है मंदिर, सामने की ओर आरती चल रहा है, तो अभी देखेंगे जाके, जूता वगैरह यहीं पर उतारना पड़ेगा। तो उस तरफ में है मंदिर और ये सब बाहर का इस तरफ एंटर है, जा सकते, यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है भैया। तो आरती अभी, तो जल्दी जाते हैं, अभी आरती के समय हो चुका है, तो कृपया जूते यहाँ ना रखे, तो जूते चप्पल अभी पहन के जा सकते हैं भैया बोले, तो हम चलते और आरती हो रहा है, तो फटफट आरती में हिस्सा लेंगे। यहाँ सीढ़ी के पुल, यहाँ जूते उतारना मना है, तो ये है बिना मास्क प्रवेश निषेध है। तो अभी मंदिर ये मेन वाला जो कि आरती हो रहा है, तो अंदर में देख सकते हो मंदिर का कुछ वो लिखा हुआ कि इतने इतने बजे अब मंदिर खुलेगा, तो कुछ इस तरीके का है। और इधर पर श्री शादीक्षी गोपाल जी का मंदिर है, तो अभी चलते हैं आरती की तरफ और आपको दिखाएंगे भगवान का मंदिर, देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, और सामने में आरती हो रहा है भगवान जी का, तो देख सकते हो सही समय पे आए हैं। तो यार क्या बताऊं, हम लोग जो है ना सही टाइम पे आए, क्योंकि आरती के बाद जो है मंदिर बंद हो जाता है, बस 10 मिनट की देरी में हम लोग पहुंच गए। और मंदिर के अंदर मैं बस यही सोच रहा था कि भगवान ने आज चिंता व्लॉग्स की बात सुन ली और अपना कपाट हमारे लिए खोले रखा। तो फिर अंदर की ओर मैं बस आरती में मगन था, और आरती होने के बाद सामने जाऊंगा और अभी वीडियो बनाऊंगा, पर उससे पहले अभी जो है बाबा जी आएंगे बाजू में और हमको आरती देंगे। तो देखना है, देखिए बाबा जी आ गए और हम यहाँ से पास से बस इतने पास से आरती लेंगे, और आप भी आरती इधर से ले लीजिए। जय राजीव लोचन बाबा की, और सबकी मनोकामना वो पूर करे मेरे सब्सक्राइबर्स के भी। तो वीडियो को देखो ही मत, भगवान के नाम पे एक लाइक कर दो और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना राजीव लोचन बाबा के नाम से। तो देखो वहां पर सेल्फी लेना मना था, पर पपन ने पंडित से
कॉन्टैक्ट किया कि हम वीडियो बनाएंगे, तो पंडित जी ने बोला कि वीडियो बना सकते हो, और मैं बहुत एक्साइटेड था और बहुत सारी भीड़ थी इसलिए मैं अभी कैमरा नहीं निकाल रहा था। तो सामने आप देख सकते हो ये है यहाँ के मेन मंदिर के मेन रखवाले हमारे श्री 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 राजीव लोचन बाबा जी। तो इनको देख लो तो और क्या चाहिए यार, बहुत ज़्यादा लक्की इंसान हूँ मैं जो कि इतने अच्छे मौके पर गया हूँ। तो और आप लोग भी, और ये देख सकते हो नरसिम्हा भगवान है बाजू में। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों को दर्शन कराना था और करा दिया। तो इस तरफ में है जगन्नाथ दर्शनालय, अंदर तरफ में बोल नहीं रहा था तो उसको वॉइस ओवर कर दूंगा। और ये देख सकते हो भगवान जी की मूर्ति है, तो काफी ज्यादा बेस्ट मंदिर है यार। यहाँ पर आओगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको, तो जरूर आना अंदर में, जो कि आरती के समय आए, सही समय पे आरती मिल गया और आप लोगों को भी आरती मिल जाएगा। तो आरती के लिए जय, अब राजीव लोचन की जय हो और राजीव लोचन बाबा की आपकी भी जय हो। और चलते बाहर का भी आपको दर्शन कराएंगे, तो अभी यहाँ से जाएंगे अंदर की तरफ और अंदर की तरफ अभी प्रसाद लेते हैं। तो ये था यहाँ का मेन मंदिर जी का, आप देखने अभी आरती, और देख सकते हो बाजू में अभी बाकी सब बने हुए हैं, तो अभी चारों तरफ एक बार घूमते और आपको दिखाएंगे। तो ये था इस तरफ का मेन मंदिर, और यहाँ तरफ देखो गैया माता, क्या खा रहे हो आप? तभी आगे बढ़ते और इस तरफ का भी देखते कि क्या क्या है इस तरफ में। फिर मंदिर के, ये मेन मंदिर के चारों तरफ ही है, तो इनका नाम है राजीव लोचन नाम ही है इनका। तो अभी जो है देख सकते हो यहाँ पर काफी ज्यादा मंदिर है यार, इधर भी है उधर भी है, और यहाँ पर बंद है लेकिन सबका कपाट देखो इस तरफ में भी है। पहले एक बार बारिश में आए थे तो काफी ज्यादा भीड़ था उस समय, अभी देखो पूरा खाली खाली है। और इस तरफ में भी देख सकते हो श्री क्या वनम अवतार, वामन अवतार, इस तरफ है वामन अवतार जी का। तो अंदर तरफ देख सकते हो काफी, अंदर तरफ से मैं आपको पूरा दिखाता, देखो चलो और अभी आगे बढ़ेंगे उस तरफ में और आपको दिखाऊंगा बाकी। सही टाइम पे भैया बोले कि आरती हो रहा है, आप लोग जाओ। तो अंदर का मंदिर आप लोगों ने देखा, मेन वाला ये मंदिर है और सामने से पूरा कपाट वगैरह है इस तरफ, इस तरफ से आरती वगैरह का बाकी साउंड आता रहता है। और देखते आगे तरफ और क्या क्या है। तो उधर से एक और द्वार है, तो और इस तरफ एक और मंदिर है, और इधर बाजू में भी एक और मंदिर है, तो सबके भी दर्शन करते। ये है श्री दान धर्णेश्वर मंदिर, भगवान जी शिवलिंग है, देखो अंदर में मस्त सा हर हर महादेव, देखो काफी ज्यादा मस्त है ना, छोटू सा शिवलिंग है देखो। और ये इधर घंटी है, तो अभी बाहर निकलते हैं यहाँ से, और सामने में नंदी जी भी है, और इस तरफ में गणपति महाराज है, और इस तरफ में हनुमान जी है। तो अभी आगे बढ़ेंगे बाजू वाले मंदिर में देखते हैं। और यहाँ के पिलर्स देखो यार कितने पुराने लग रहे हैं, काफी ज्यादा। देखो एक ठोक पिलर का नाम सुना था जो कि बसता है, पर नहीं पता। देखो यहाँ पर नाम लिखा है राम दान पीड़, और ये है कुछ इस तरीके का मंदिर। अरे यार बकरी चढ़ गई, देखो इधर बकरी, देखो इधर खाने के लिए आ गई है, वो देखो उधर भी एक है। और ये है इधर भी एक शिवलिंग है, शिव मंदिर है, और ये कलाकृतियाँ देखो यार कितने पुराने हैं, काफी ज्यादा सुंदर भी लग रहे हैं। देखो चारों तरफ बने हुए हैं पिलर्स के साथ, और इधर एक घंटी है जो बजा सकते हो, और आगे में एक शिवलिंग है, देखो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है शिव जी, ओम नमः शिवाय। तो अभी बाहर निकलेंगे, एक थंबनेल के फोटो लेते हैं और बढ़ेंगे आगे की ओर। भाई मार न दे भाई, निकल जाते नंदी महाराज की जय। तो ये था कुछ इस तरीके का मंदिर, और बाकी आप लोगों ने पूरा मंदिर देख ही लिया होगा। चारों तरफ बस मंदिर ही मंदिर, व्हाइट व्हाइट सब जगह, व्हाइट पूरा व्हाइट पेंट कर दिया गया है। ओ भाई सामने में देखो घड़ी भी लगा उधर, आप टाइम देख सकते हो। तो यहाँ पर एक तो फोटो लेते और निकलेंगे आगे की तरफ। हम लोग जो है ना सही टाइम पे आए, क्योंकि मंदिर अभी पूरा बंद हो गया, और यार क्या बताओ यार सही टाइम पे आरती के समय पे आए, और अभी सामने जाएंगे और क्या बोलते कौन सा नदी है वो महासमुंद आपको दिखाएंगे। तो मंदिर अभी बंद हो गया, हम लोग सही टाइम पे आए, आरती भी लिए, और अभी चलते हैं और आपको वो दिखाएंगे, क्या नाम है उसका यार महासमुंद। चलो आगे ही है, सीधे में ही है, मेरे को अच्छा दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ अब मैं। तो यार ये देखो हमारा महासमुंद काफी ज्यादा विशाल है, और वहीं से तो ट्रक वगैरह जा रहे थे अपन, वहीं से तो आए हैं। और इस तरफ जो है मावा भांजे मंदिर है, तो मावा भांजे मंदिर भी चलते हैं अभी, देखेंगे आगे की तरफ। और
देखो क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस टाइप का, ब्रिज व्रिज बनने का भी शायद तक वो चलने के बाद अच्छा रहेगा। और ये है हमारा महासमुंद, देखो काफी ज्यादा विशाल है यार, क्या सुकून है। यहाँ तक पानी होता होगा, जब पानी आता होगा, अभी तो गाड़ी वगैरह सब चढ़ा दिए ऊपर में, तो मामा भांजे मंदिर शायद उधर है, तो मामा भांजे मंदिर चलते हैं आपको दिखाते हैं। अभी इस तरफ जाएंगे पता भी नहीं, श्री मामा भांजे मंदिर पर्यटन स्थल, तभी चलते हैं और यहाँ से आपको दिखाएंगे पल पल की खबर। ये है हमारा मामा भांजे मंदिर बोल सकते हो, पर अंदर में तो शिवलिंग है। और जूता पहनो बोल के नहीं जा रहा हूँ इस तरफ, तो कुत्ते महाराज जी सोए हैं इधर। और मामा भांजे का मंदिर नमः शिवाय श्री कैलाश्वर नाथ के मामा श्री पंचेश्वर नाथ, तो यही है मामा भांजे मंदिर जो बोलते हैं। बाजू में एक और मंदिर था, और ये है शिवनाथ नदी, हालांकि शिवनाथ तो नहीं बोल रहा, महानदी महासमुंद्र बोल सकते हो। देखो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है यार, क्या सुकून मिल रहा है। तो अभी चलते बढ़ते आगे की तरफ, हमको चश्मा घटा रानी भी जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो देख लो कभी किसी दिन फुर्सत में आएंगे तो पूरा अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो अभी गाड़ी पकड़ते हैं और गाड़ी से निकलेंगे चश्मा घटा रानी की तरफ, तो चलते हैं अभी आगे बढ़ेंगे।